कोरोना काल में भारत की पहचान न सिर्फ बढ़ी है बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ दुनिया भर के देश कर रहे हैं। कोरोना संकट से उभरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष देशों के वर्चुअल समिट को संबोधित किया। गुट निरपेक्ष देशों का ये सम्मेलन अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव की कोशिशों के बाद आयोजित हुआ। इस समिट में कोरोना संकट पर चर्चा हुई जिससे भारत समेत दुनिया भर के तमाम देश जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का भी जिक्र किया और पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ लोग आतंक का जानलेवा वायरस, फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैलाने में लगे हैं। सम पीपल आर बिजी स्प्रेडिंग अदर डेडली वायरसेस सच एज टेररिज्म, सच एज फेक न्यूज एंड डॉक्टर्ड वीडियोज टू डिवाइड कम्युनिटीज एंड कंट्रीज। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे गुट निरपेक्ष देश इस संकट की घड़ी में हर किसी की मदद कर सकते हैं। टुडे ह्यूमैनिटी फेसेस इट्स मोस्ट सीरियस क्राइसिस इन मैनी डेकेड्स। एट दिस टाइम द नॉन अलाइड मूवमेंट कैन हेल्प प्रमोट ग्लोबल सॉलिडरिटी। नेम हैज ऑफन बीन द वर्ल्ड्स मॉरल वॉइस। टू रिटेन दिस रोल नेम मस्ट रिमेन इंक्लूसिव। पीएम मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के संकट को देखते हुए घरेलू जरूरतों के बावजूद भारत ने 120 देशों को दवा की आपूर्ति की जिसमें 59 गुट निरपेक्ष देश शामिल हैं। भारत की सभ्यता पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, कैरिबिया और यूरोप के सदस्य देशों के 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और शासन प्रमुखों और दूसरे नेताओं ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पीएम मोदी ने नैम कॉन्टेक्ट ग्रुप के सम्मेलन में हिस्सा लिया और भारत के संस्थापक सदस्यों में शामिल होने के नाते इस संगठन के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को जाहिर किया। इस वैश्विक संकट के वक्त भारत ने जिस तरह से मदद का हाथ दुनिया के देशों को बढ़ाया है वो यकीनन भारत की छवि को और बड़ी करता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।